रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। किचन विद जेड में आप सबको खुश आमदीद। आज हम अपने प्यारे से किचन में आपके साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे वो बहुत ही रंगीन सी चटपटी सी रेसिपी होगी। यानी सर्दियां आई हैं तो हर किस्म की इसमें सब्जियां हैं, तो हमने यही सोचा कि चलो आज सब्जियां उसी लिहाज से डिश बनाते हैं। आज हम बनाएंगे जंगली पुलाव। जंगली पुलाव के लिए हमने सबसे पहले तो लिया है 1.5 पाव गोश्त, उसको हमने लंबी स्टेप्स में ऐसे काट लिया, ऐसे हमने काट लिया। सब्जियों को भी हमने लंबी स्टाइल में काटा है। एक प्याली हमने ये शिमला मिर्च ली है, एक प्याली हमने मटर लिए हैं, एक प्याली हमने गाजरें ली हैं, गाजरों को भी हमने इसी रूप का लंबा काट लिया है, और एक प्याली हमने आलू लिए, आलुओं को भी ऐसे लंबा काट लिया है। ये जो बंद गोभी है इसको भी ऐसे लंबा काट लिया, एक प्याली हमने बंद गोभी ली है। दो हमने अंडे लिए हैं, दो मीडियम साइज के हमने प्याज लिए हैं, एक टेबल स्पून भर के हमने काली मिर्चों का लिया, एक टेबल स्पून हमने जीरे का लिया, और एक चमचा हमने भर के ये मिक्स मसालों का, साबुत गर्म मसालों का, जिसमें ये फूल भी है, ये इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और छोटी इलायची वगैरह, और 7 से 8 हमने 8-9-10 हमने ये लिए आलू बुखारे लिए हैं। और स्पाइसेस में हमने ये आपकी मर्जी, आप मिर्चें डालें चाहे ना डालें। इसमें हमने लिए हैं 1 टेबल स्पून भर के हमने नमक लिया, 1 किलो चावल हम बताना भूल गए, 1 किलो हमने चावल लिए हैं, चावल हमने 1 किलो लिए हैं, उनके लिए 1 टेबल स्पून भर के नमक का जाएगा। 1 टेबल स्पून हमने चिकन पाउडर लिया, 1/2 टीस्पून हमने अदरक का पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हमने लहसुन का पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून भर के हमने सूखे धनिया के लिया, इसको मोटा मोटा ज़रा कूट लिया। ये आपका ऑप्शन है, ये आप ताज़ा भी डाल सकते हैं, अदरक लहसुन आप ताज़ा भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शन है। और फ्राई के लिए घी हम हंसवे ज़रूर डालेंगे, 1 प्याली के करीब डालेंगे चावलों में, और सिरका लिया है सब्जियों में डालेंगे ताकि उनके कलर ख़राब ना हो। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पाव से कुछ कम जाएगा तेल इसमें। तेल को जरा गर्म होने देते हैं फुल। इसके अंदर दालचीनी की 2 स्टिक डालेंगे, बड़ी इलायची डालेंगे, ये फूल डालेंगे बादियान का फूल, छोटी इलायची, लौंग और मिर्चें वगैरह, पूरा यानी कि गर्म मसाला आपने डालना। अब हम इसमें गोश्त डालेंगे, ये लंबी लंबी स्ट्रिपें हमने काटी ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त हमने 1.5 पाव के करीब लिया है। और तेज आंच पे ये फ्राई करना है, और ज्यादा भी फ्राई नहीं करना, हल्का सा करना है। गोश्त का बस कलर चेंज करना है हमें। गोश्त हमारा फ्राई हो गया, हमने तेज आंच पे किया है। अब हम इसमें डालेंगे गाजरें, इनको थोड़े से करेंगे, इनको हल्का हल्का करना ताकि इनका कलर तब्दील ना हो। अब हम डालेंगे इसके अंदर आलू, ये भी हमने ऐसे लंबे लंबे काटे हैं, हर चीज़ हमने लंबी लंबी काटी है इसकी। हल्का हल्का इनको फ्राई करना बस। अब हम ये डालेंगे इसमें शिमला मिर्च। माशाल्लाह देखें कलर इसका कितना प्यारा आया है, लुक कितनी प्यारी है, और खुशबू तो इसकी अल्लाह बहुत प्यारी है। देखें अल्लाह की हर नेमत इसके अंदर जा। अब इसमें डालेंगे हम मटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की हर नेमत जा रही है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे, नमक डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिर्चें डाल देंगे, सूखा धनिया डाल देंगे, चिकन पाउडर डाल देंगे, लहसुन अदरक वो डाल देंगे पाउडर, और ज़ीरा भी डाल देंगे साथ।
काली मिर्चें हम एंड पे डालेंगे, क्योंकि ना सब्जियों का चावलों का रंग खराब हो जाएगा, वो जब एंड पे होंगी फिर डालेंगे। अब थोड़ा सा हम सिरका डालेंगे ताकि सब्जियों का चेंज ना हो, हाँ सब्जियों का कलर चेंज ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, 2 टेबलस्पून हमने सिरका डाल दिया, बस इससे ज़्यादा नहीं डाल। माशाल्लाह सब्जियाँ हमारी फ्राई होगी, देखिए कलर कितने प्यारे हैं इनके, हर चीज़ लुक कितनी प्यारी। अब हम इसमें पानी डालेंगे, 1 किलो हमारे चावल थे, ये हमारा जग 1 किलो का है, इसमें 1.5 लीटर हम पानी डालेंगे, बस थोड़ा सा और डालेंगे। अब इसको एक उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे। तो अंडों को बना लेते हैं, 2 अदद हमने अंडे लिए हैं। एक चुटकी हम इसमें जरदा रंग डालेंगे, अंडों का रंग चेंज करने के लिए ना, खूबसूरत हो जाएगा जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब तक हमारे चावल हो रहे हैं हम जरा अंडे फ्राई कर लेते हैं अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा तेल डालेंगे बिल्कुल, इसको फैला लेंगे। गैस हमारी गई हुई है, हम सिलेंडर पे खा रहे हैं, इतनी हम आपके लिए मेहनत करते हैं। आप प्लीज़ हमारे चैनल को, जो डिशें पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट में तो अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह देखिए कलर इसका कितना प्यारा है। अब हम इसको जरा अंडे मारे हो गए, अब हम इनको काट लेंगे स्ट्रिप्स में। देखिए इसका कलर कितना प्यारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी में रिवाइल आ गया, अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे। आलू भरे, अब हम इसके अंदर आलू भरे, पहले हम डाले तो वो घुल जाते हैं, ये हम डालेंगे तो सही लगेंगे। दो हम गार्निश के लिए रखेंगे, इसमें हम फेरेंगे। देखिए माशाल्लाह कलर इसका कितना प्यारा है, माशाल्लाह हर चीज़ इसकी अलग अलग है। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्चें, पहले हम डालते तो उनका रंग खराब हो जाना था। 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे हम काली मिर्चों का, ज़रा स्पाइसी हो जाए। 1.5 डाल देते हैं, तो इनका फ़ायदा या इनका कोई नुकसान नहीं है। सिरका हमने डाला था तो देखे सब्जियों का कलर वैसे के वैसे ही है, बहुत ही प्यारे हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 10 मिनट बाद इसको खोलेंगे, पानी खुश होने तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चावल हमारे दम भी आ गए, ये देखिए माशाल्लाह इनके कलर कितने प्यारे हैं, एक एक दाना है इसमें। अब इसके हम इस पर डालेंगे बंद गोभी दम पे, बस इसे डाल देंगे, और प्याज, प्याज कैसे करके अंडे हम बाद में डालेंगे,
दम जब इनको हो जाएगा ना फिर हमने अंडे डालने हैं। एक साइड पे हम कलर डाल देते हैं, थोड़ा सा बस डाल दें इससे बस। अब हम इनको 5 मिनट दम लगा देते हैं, मिलते हैं 5 मिनट बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चावल हमारे दम लग गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे अंडे। कितना सूरत रहमान में कहा नहीं अल्लाह ताला, तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, अभी अला रब्बी कुमार तुका जीबान, तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को जो। अब हमने इसके नीचे चूल्हा बंद कर देना, ये गार्निश के लिए रखी है, चूल्हा हमने बंद कर देना है। इसके अंदर 2 मिनट ऐसे रहेंगे बस, 2 मिनट बाद बस इसको रंग रहमान रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है, मेरे अल्लाह की शान देखने जरा, चावल एक एक दाना अलग अलग और कलर देखें इनका, अब मैं आपको डिश आउट कर दूँ। माशाल्लाह डिश आउट हमने कर दी है, माशाल्लाह देखें कितने प्यारे इनके कलर हैं, गोश्त का अलहदा, अंडे के अलहदा, रेड अलग, गाजरे भी देखें राजू कलर भी वैसे ही हैं, मटरों के भी वैसे हैं, आलू का भी वैसे ही है, देखें आलू भी, हर चीज़ का कलर वैसे है। और अल्लाह की नेमत देखें कितनी मज़े की है, अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर ये और साथ हमने इसके रायता बनाया बंद गोभी और टमाटर वगैरह डाल के, इसके साथ रायता जाएगा, वैसे स्पाइसी तो हमने बनाए हैं। अगर ये हमारी डिश आपको पसंद आई, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय का कमेंट में लाजमी इजहार कीजिएगा। खुद भी खुश रहिएगा और दूसरों को भी खुश रखिएगा, क्योंकि दूसरों को खुशी देने में ही आपको खुशी मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।